हेलो दोस्तों, ब्लडी संडे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मेरा नाम है जय और आज मैं आपके लिए भूतों की कुछ सच्ची बेहद डरावनी कहानियां लेकर आ गया हूं। तो अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आप आगे भी सच्ची डरावनी कहानियां सुन सकें। तो चलिए कहानियों की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम पिंटू है। यह मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात पिछले साल लॉकडाउन के समय की है। एक रात अचानक मेरी तबीयत खराब होने लगी। मैंने टाइम देखा तो रात के 8 बज रहे थे। सर दर्द से मैं परेशान हो रहा था और मुझे हल्का फीवर भी था। घर पर बुखार और सर दर्द की दवा नहीं थी तो मैं मेडिकल से दवा लेने के लिए घर से बाहर निकला और बाइक लेकर मेडिकल स्टोर की तरफ बढ़ने लगा। फिर मेडिकल से दवा लेने के बाद मैं वापस घर लौट रहा था। लॉकडाउन की वजह से रास्ते पर सन्नाटा पसरा हुआ था। यहाँ तक कि लोगों के घरों के बाहर भी कोई दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, मैं बाइक चलाते हुए रास्ते पर आगे तो बढ़ रहा था मगर हो रहे तेज सरदर्द की वजह से मुझे बाइक चलाने में काफ़ी परेशानी हो रही थी, जिस वजह से मैं बाइक को काफ़ी धीरे चला रहा था। लेकिन तभी बाइक चलाते हुए मैंने देखा कि मेरे सामने रास्ते पर एक पुलिस वाला हाथ में डंडा लिए खड़ा था और मुझे रुकने के लिए बोल रहा था। रास्ते पर पुलिस वाले को देखकर मैंने मन में ही कहा कि अब ये एक नई मुसीबत सामने आ गई है। पुलिस वाले के सामने बाइक रोकते हुए मैंने उससे कहा, हवलदार साहब, मेरी तबीयत खराब है तो बस मेडिकल तक दवा लेने गया था। मैं अभी ये सब बोल ही रहा था कि तभी उस पुलिस वाले का चेहरा बेहद ही भयानक रूप में बदल गया। उसका कटाफटा चेहरा देखकर जहां मेरी आवाज़ मेरे मुंह में दब सी गई थी तो वहीं वो भयानक चेहरे वाला हवलदार मेरी तरफ बढ़ने लगा और पल भर में ही उस बदशक्ल हवलदार ने मेरी गर्दन पकड़ ली और मुझे खींचकर रास्ते के बीचों बीच जमीन पर पटक दिया और फिर उस हवलदार ने मुझे पीट पीट कर लगभग अधमरा कर दिया। मैं जमीन पर बड़ा जोर जोर से चीख चिल्ला रहा था कि शायद कोई मेरी मदद के लिए आ जाए और तभी मैंने देखा कि वो पुलिस वाला चाकू लेकर मेरी गर्दन को घूरने लगा। मैं समझ गया कि आज तो मेरी मौत पक्की है। लेकिन तभी एक आखिरी मर्तबा मैंने पूरी जान लगाकर चीखा। तभी वो पुलिस वाला मुझे घसीटता हुआ अपने साथ ले जाने लगा। लेकिन मेरी चीखें सुनकर आसपास की बस्ती के लोग वहाँ पर आ गए। इतने सारे लोगों को देखकर वो पुलिस वाला एकदम से गायब हो गया और तभी मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश हो गया। फिर क्या हुआ मुझे नहीं पता, लेकिन जब मेरी आँख खुली तो मैं बस्ती वालों के बीच चारपाई पर लेटा हुआ था। फिर मैंने बस्ती वालों को सारी बात बताई तो बस्ती के एक आदमी ने बताया कि कुछ दिनों पहले जब ये हवलदार जिंदा था तो इसका लोगों के बीच काफ़ी खौफ फैला हुआ था, क्योंकि ये जिस किसी को भी लॉकडाउन तोड़ते हुए देखता तो गुस्से से आग बबूला हो जाता था। उस समय इसके चेहरे को देखकर लगता कि मानो उसकी आंखों में खून उतर आया हो। और फिर ये हवलदार उस लॉकडाउन तोड़ने वाले की जमकर पिटाई करता था। ये लोगों को मार मार कर बिल्कुल अधमरा कर देता था। लेकिन फिर एक दिन कोरोना से इसकी मौत हो गई। लेकिन अब मरने के बाद उन लोगों को हवलदार का भूत दिखाई देता है जो लोग लॉकडाउन तोड़ते हैं। और फिर ये हवलदार का भूत लोगों को बुरी तरह से पीटता है। यहाँ तक कि अब तक कई लोगों की इसकी मार से मौत भी हो गई है। उन लोगों की बातें सुनकर मैं दंग रह गया। लेकिन गलीमत इस बात की थी कि मेरी जान बच गई थी। इस घटना के बाद मैंने कभी भी लॉकडाउन नहीं तोड़ा है, क्योंकि ना जाने उस हवलदार के भूत से दोबारा सामना हो गया तो इस बार वो गुस्से वाला हवलदार का भूत मुझे नहीं छोड़ेगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं
अगली कहानी की तरफ। मेरा नाम राजू है, ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात 3 साल पहले की है। उस रात कई सालों बाद मैं अपने गांव आया था। स्टेशन पर ट्रेन से उतरने के बाद मैं काफ़ी हैरान था, क्योंकि स्टेशन पूरा खाली था। दूर दूर तक एक परिंदा भी दिखाई नहीं दे रहा था। खैर, ट्रेन के जाते ही मैं भी कंफर्म हो गया कि मेरे अलावा और कोई नहीं उतरने वाला। फिर मैं घर जाने के लिए स्टेशन से बाहर जाने लगा। अभी मैं स्टेशन से बाहर निकला भी नहीं था, बस कुछ कदम आगे बढ़ा ही था कि तभी मैंने नोटिस किया कि मेरे ठीक बगल में कोई और भी चल रहा है। फिर जब मैंने एक नज़र घुमा के अपने बगल में देखा तो एक औरत मेरे साथ साथ चल रही थी, और पता नहीं क्यों वो औरत मुझे अजीब ढंग से घूरते हुए बार बार मेरी गर्दन को देखते हुए अपनी जीभ बाहर निकाल रही थी। उस औरत की अजीबोगरीब हरकतें देखकर मैं रुका और उस औरत से पूछा कि क्या बात है, तुम मेरा पीछा क्यों कर रही हो? अभी मैंने अपनी बात पूरी भी नहीं की थी कि तभी झट से वो औरत मेरे सामने आकर खड़ी हो गई और अरबी भाषा में कुछ बड़बड़ाने लगी। उसकी भाषा मेरे लिए काला अक्षर बहस बराबर थी, तो मैं उसे बीच में ही टोकते हुए मेरे सामने से हटने के लिए बोलने लगा। लेकिन मेरी इस बात से वो औरत बेहद ही गुस्से में आ गई और अचानक उसका चेहरा बदलने लगा। उसका बदलता हुआ भयानक चेहरा देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और चीखता चिल्लाता हुआ मैं स्टेशन से बाहर जाने वाले दरवाजे की तरफ सर पर दौड़ने लगा। लेकिन मैं भाग पाता उससे पहले ही उस औरत ने मेरी गर्दन दबोच ली और अपने पैने नुकीले दांत मेरी गर्दन पर गड़ा दिए, जिस वजह से मेरी मरणतौल चीख निकल गई। और फिर पता नहीं उस औरत ने क्या किया कि अचानक मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर नीचे गिर पड़ा। जब मुझे होश आया तो मैं ट्रेन की पटरियों के बीच खून से लथपथ पड़ा हुआ था। फिर होश संभालते ही मुझे बीती सारी घटना याद आ गई और मैं किसी तरह भागकर स्टेशन से बाहर निकला। अब तक हल्की सुबह हो चुकी थी। मैं किसी तरह अपने बेजान पैरों को घसीटता हुआ मेरे गांव पहुंचा और फिर गांव वालों को मैंने मेरी आपबीती बताई तो गांव वाले दंग रह गए। उनकी हैरानी का कारण पूछने पर पता चला कि मैं पहला शख्स था जो उस चुड़ैल की चपेट से जिंदा बचकर आया था, वरना गांव वालों के मुताबिक उस चुड़ैल ने कई लोगों को मौत के घाट उतारा था। आगे गांव वालों ने बताया कि 1 साल पहले उसी स्टेशन के पास वो औरत पटरियां पार कर रही थी, तभी उसका पैर लड़खड़ाया और वो मुंह के बल वही पटरियों पर गिर पड़ी, जिस वजह से वो वहीं बेहोश हो गई और बदकिस्मती से ट्रेन के गुजरने तक उस औरत पर किसी की नज़र नहीं पड़ी और ट्रेन उस औरत को कुचलती हुई निकल गई। इस हादसे में उस औरत की पटरियों पर ही मौत हो गई। तब से उस औरत ने चुड़ैल का रूप ले लिया है और अब वो चुड़ैल स्टेशन पर भटकती है और आने जाने वाले लोगों का शिकार करके उन्हें पटरियों पर अपनी तरह मरने के लिए छोड़ देती है। इसी वजह से गांव का कोई भी स्टेशन के आसपास से भी नहीं गुजरता है। गांव वालों की बातें सुनकर जहां मेरे पसीने छूटने लग गए थे, तो वहीं मुझे समझ आ गया था कि क्यों उस रात स्टेशन पूरा खाली पड़ा हुआ था। दोस्तों, इस घटना के बाद मैं कभी दोबारा मेरे गांव के उस भूतिया रेलवे स्टेशन पर नहीं गया। हालांकि अब मुझे गांव से बाहर जाना होता है तो मैं ट्रेन की बजाय बस से चला जाता हूं। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अगली कहानी की तरफ। मेरा नाम गोविंद है, ये बात काफ़ी पुरानी है। मुझे ठीक से तो याद नहीं, पर लगभग 8 से 10 साल पहले मेरे साथ एक घटना घटी थी।
तब मैं तकरीबन 17 साल का हो चुका था। उन दिनों गर्मियों के दिन थे। एक रात की बात है, घर पर बेहद ही गर्मी से तंग आकर मैं खाना खाने के लिए छत पर चला गया। खाना लेकर मैं छत में पहुंचा ही था कि तभी माँ ने मुझे किसी काम के चलते आवाज़ दी। हालांकि छत पर मेरे अलावा और कोई भी नहीं था, बावजूद इसके मैं खाना छत पर रखकर नीचे चला गया। फिर तकरीबन 5 मिनट बाद जब मैं छत पर जाने के लिए सीढ़ियाँ चढ़ रहा था तो मुझे छत से अजीब अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। खैर, मैंने इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया और मैं छत की तरफ बढ़ने लगा। मैंने अपने हाथ में एक टॉर्च भी ले रखी थी। फिर जब मैं छत पर पहुंचा तो मेरी नज़र मेरे खाने की तरफ गई और वहां पर मैंने जो देखा, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा मेरे खाने के पास कई सारे सफ़ेद साये घूम रहे थे, जिनकी चमकती लाल आंखें और उनकी भयानक आकृति किसी की रूह को अंदर तक कपा देने के लिए काफ़ी थी। वो भयानक नज़ारा देखकर मेरी चीख निकल पड़ी और मेरी चीख सुनकर वो साये मेरी तरफ बढ़ने लगे। उन सायों को अपनी तरफ आता देखकर मैं इतना ज़्यादा खौफजदा हो गया कि मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़ा। फिर क्या हुआ मुझे कुछ पता नहीं। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपने बिस्तर पर था, माँ मेरे पास ही बैठी थी। होश संभालते ही मैंने माँ को सारी बात बताई। मेरी बातें सुनकर माँ भी सकते में आ गई। फिर माँ ने मेरी नज़र उतारी और माँ ने बताया कि खाने को कभी भी छोड़कर नहीं जाना चाहिए, खासकर जब खाना घर से बाहर छत पर या कहीं और खा रहे हो, क्योंकि ऐसे खाने पर बुरी शक्तियों की नज़र होती है। माँ की बात सुनकर मैं काफ़ी डर गया और अब कभी भी मैं घर के बाहर तो क्या, घर पर भी कभी अपने खाने को छोड़कर नहीं जाता हूँ। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अभिषेक है और उम्र 26। हाँ, और अगले महीने की 12 तारीख को मैं 27 साल का हो जाऊंगा। और इस बात से भी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये ज़िंदगी जीने की ना अब कोई वजह है मेरे पास और ना मकसद। एक शब्द में कहूँ तो जिंदा लाश बन चुका हूँ मैं। मगर मैं ऐसा था नहीं, बहुत ही खुश मिजाज और नेक दिल आदमी था मैं। जब मेरी ज़िंदगी में सोनल आई थी, सोनल जिसका घर मेरे मामा के घर से लगकर लगभग 30 कदम की दूरी पर था, और वैसे मेरे मामा का घर जहाँ पर है उस इलाके में ज़्यादा घर नहीं है, और तकरीबन हर घर की दूसरे घर से दूरी लगभग 30-40 कदम की ही थी, और वो पूरा इलाका घने जंगलों से घिरा हुआ था। उन कुछ 8-10 घरों तक जंगल के बीच से होकर एक कच्चा रास्ता था जो 7-8 किलोमीटर बाद सीधा हाईवे से मिलता था। हम दो भाई हैं और मैं बड़ा हूँ, मगर बदकिस्मती से मेरे मामा का एक भी लड़का नहीं था, इसीलिए उनके देखरेख और कामकाज में उनका हाथ बटाने के लिए माँ ने मुझे उनके घर भेज दिया था। तब मैं 24 साल का था। मामा के घर पहुंचकर मैंने नाश्ता किया और फिर कुछ देर बाहर खुली हवा में घूमने के लिए घर से बाहर निकल गया। घर के बाहर इधर उधर घूमते हुए मैं सोनल के घर के सामने से निकला और तब पहली बार मैंने उसे देखा, और उसे देखते ही मुझे वो पसंद आ गई। दरअसल मेरे लिए कई सारे शादी के रिश्ते आए थे, मगर मैं शादी नहीं करना चाहता था, इसीलिए हर बार ये लड़की मुझे पसंद नहीं है ऐसा बोल देता था। मगर पता नहीं क्यों सोनल मुझे पसंद थी। मैं वापस मामा के घर की तरफ मुड़ा और घर पहुंचकर मैंने मामी से उस लड़की के बारे में पूछा।
तब मामी ने ही बताया कि उसका नाम सोनल है। मामी की बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि मगर वह पिछली बार जब यहाँ पर आया था तब तो वो यहाँ नहीं थे। तो मामी ने बताया कि हाँ, दरअसल तब वो बाहर बड़े शहर में अपनी पढ़ाई पूरी कर रही थी। अभी पढ़ाई पूरी हो गई है तो इसीलिए वो अपने घर वापस आ गई है। मैं मामी की बातों को बेहद ही ध्यान से सुन रहा था कि तभी मामी ने मुझसे पूछा कि मगर तू ये सब मुझसे क्यों पूछ रहा है, कहीं पसंद तो नहीं आ गई वो तुझे। मामी की बात पर मैंने हंसते हुए हाँ कह दिया। मेरी बात सुनकर मामी बेहद ही खुश हो गई और उन्होंने फौरन मेरी माँ को कॉल किया। बात आगे बढ़ी और आखिरकार दोनों परिवारों और खासकर सोनल की रजामंदी से शादी पक्की हो गई। उन दिनों सर्दियों का समय चल रहा था और मेरी शादी को अभी भी एक महीना बाकी था। रात के करीब 10:30 बज रहे थे जब मैंने हर रोज की तरह सोनल को कॉल किया। उसने कॉल रिसीव किया, हमारी नॉर्मल बातें शुरू हो गई। बातों बातों में पता ही नहीं चला कब 11 बज गए। हम अभी भी बातें ही कर रहे थे कि तभी अचानक सोनल काफ़ी भारी और गहरी सांसें लेने लगी। फ़ोन पर उसकी ऐसी आवाज़ें सुनकर मैं काफ़ी घबरा गया और मैंने उससे पूछा कि हेलो सोनल, क्या हुआ तुम्हें? हेलो, मैं बार बार उससे पूछ रहा था कि क्या हुआ तुम्हें, मगर वो मेरी बातों का कोई जवाब नहीं दे रही थी। और फिर तभी सोनल ने बेहद ही भारी आवाज़ में कहा, क्या सोनल सोनल कर रहा है? अगर मेरे और इसके करीब भी आया तो मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे नहीं पता था कि वो सोनल की भारी आवाज में कोई और था जो मुझे सोनल के करीब जाने से मना कर रहा था। मुझे लगा शायद ये मजाक कर रही है, इसीलिए मैंने उससे कहा कि अच्छा तो फिर कल ही आ रहा हूं मैं तुम्हारे घर। मैं इतना बोला ही था कि सोनल ने चीखते हुए कहा कि अगर तूने इस घर में कदम भी रखा तो मैं तेरा सर फाड़ दूंगा। ये सिर्फ मेरी है, इसे मैं अपने साथ ले जाऊंगा। सोनल की बातें सुनकर अब मुझे भी गुस्सा आने लगा। मैंने उससे कहा कि अच्छा, इतनी हिम्मत आ गई है तुम में, अब तो मैं कल तुम्हारे घर जरूर आऊंगा। ये बोलकर मैंने कॉल कट कर दिया। फिर अगले दिन मैंने सोनल के घर पर फोन किया, उसकी माँ ने कॉल रिसीव किया। फिर मैंने उन्हें कल रात की सारी बात बताई। मेरी बातें सुनकर उन्होंने कहा कि बेटा, सोनल की तरफ से मैं माफ़ी मांगती हूँ, मगर हाँ, कल से उसकी तबीयत बहुत ख़राब है और कल से ही वो हम सब से बहुत ही गुस्से में बात कर रही है। पता नहीं उसे क्या हो गया है। उनकी बात सुनकर मैंने उनसे कहा कि आप परेशान मत होइए, सोनल को कुछ नहीं होगा, और वैसे भी आज मैं आपके घर आ रहा हूँ तो सोनल से भी मिल लूँगा। और फिर उसी दिन 7:00 तक मैं अपनी कार से सोनल के घर पहुँचा। मेरे साथ मेरी माँ और मेरा छोटा भाई भी आए थे। सोनल के घर पहुँचते ही सोनल की माँ ने हमें बैठने को बोला और नाश्ते पानी की व्यवस्था करने लगी। मेरी माँ ने उनसे पूछा कि सोनल कहाँ है, तो उन्होंने बताया कि वो अपने कमरे में है, सुबह से बाहर नहीं आई है। उनकी बात सुनकर हम सब एक दूसरे को देखने लगे। मैंने माँ से कहा मैं उससे मिलकर आता हूँ, आप नाश्ता करिए। ये बोलकर मैं सोनल के कमरे की तरफ बढ़ा और फिर उसके कमरे में पहुंचकर मैंने देखा सोनल चुपचाप अपने बेड पर लेटी थी और छत पर लगे पंखे को एक टक घूरे जा रही थी। मैंने खुले हुए दरवाजे पर नॉक किया, तब भी उसने कोई जवाब नहीं दिया, वो बस उसी पंखे को घूरे जा रही थी। मैं उसके पास जाकर बैठ गया और उसे आवाज़ दी, सोनल, मगर उसने
कोई जवाब नहीं दिया। हिम्मत जुटाते हुए मैंने उसके हाथ पर अपना हाथ रखा और मेरे ऐसा करते ही वो एक झटके से उठकर बैठ गई और जोर जोर से भारी सांसें लेते हुए गुस्से से घूरने लगी। एक झटके से मैंने अपना हाथ हटाते हुए उससे कहा कि क्या हुआ, मगर मैं इतना बोला ही था कि तभी उसने मेरी गर्दन पकड़ ली। उसने मेरी गर्दन को इस कदर जकड़ रखा था कि उसके नाखून मेरी गर्दन पर घुस चुके थे। मैं अपने दोनों हाथों से उसके हाथ अपनी गर्दन से दूर करने लगा, मगर अब वो जानवरों की तरह मेरे ऊपर चढ़ गई और जोर जोर से भारी आवाजें निकालते हुए उसने अपने दोनों हाथों से मेरी गर्दन जकड़ ली। उसने इस कदर मेरी गर्दन को जकड़ रखा था कि मेरा दम घुटने लगा और मेरी आंखों से पानी गिरने के साथ ही मैं इस बात से हैरान था कि उसमें इतनी ताकत कहां से आ गई थी कि पूरी ताकत लगाकर भी मैं उससे अपने आप को दूर नहीं कर पा रहा था। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और तभी मैंने जो देखा वो देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा एकदम से सोनल की आंखें सुर्ख लाल हो गई और वो जोर जोर से शैतानी हंसी हंसने लगी और भारी आवाज में बोली कि तूने यहां आकर अच्छा नहीं किया, मैं तुझे बर्बाद कर दूंगा। और फिर इसके आगे उसने क्या कहा मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं बेहोश हो चुका था। और फिर जब मुझे होश आया तब मैं हॉस्पिटल में था। मेरे शरीर पर कई सारे गहरे घाव थे और कई सारी पट्टियां बंधी थी। और फिर जब मैंने होश संभाला तो देखा मेरे पापा मेरे बगल में बैठे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो कुछ बहुत गलत हो गया है, मगर जब तक मैं ठीक नहीं हो गया उन्होंने मुझे कुछ नहीं बताया। फिर एक हफ्ते बाद मुझे हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कर दिया गया। फिर जब मैं घर पहुंचा तो मैंने पापा से पूछा कि मुझे इतनी ज़्यादा चोटें कैसे आई, तो मेरी बात पर वो कुछ नहीं बोले। फिर मैंने घर पर इधर उधर देखा तो मुझे मेरी माँ और छोटा भाई कहीं नज़र नहीं आए। तो मैंने पापा से पूछा कि माँ और भाई कहाँ है, तो पापा की आंखों से आंसू आ गए। तो मैंने उनसे कहा कि पापा आप रो क्यों रहे हैं, क्या बात है, मुझे सब सच सच बताइए। तो पापा ने मुझसे जो बताया उसे सुनकर मेरे पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। पापा ने बताया कि उस रात सोनल की वजह से तुम बेहोश हो गए थे और जब ये बात तुम्हारी माँ भाई और सोनल की माँ को पता चली तो वो सब तुम्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए घर से निकले। कमरे में सोनल भी जमीन पर बेसुध पड़ी थी तो उसे भी तुम्हारी माँ ने कार में बिठा लिया और फौरन कार ड्राइव करते हुए तुम्हारा छोटा भाई हॉस्पिटल के लिए निकला। मगर इससे पहले कि वो हॉस्पिटल पहुँचते कार का एक्सीडेंट हो गया और वो एक्सीडेंट इतना भयानक था कि तुम्हें छोड़कर बाकी सभी की मौके पर ही मौत हो गई। तुम्हारे फ़ोन से मेरा नंबर लेकर पुलिस ने मुझे कॉल करके सारी बात बताई और तुम्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया और बाकी सभी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। पापा की सारी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकल आए और मैं रोने बिलखने लगा। और फिर आगे पापा ने मुझे बताया तेरी माँ और भाई का अंतिम संस्कार करने के बाद एक दिन मैं एक बाबा से मिला और मैंने उन्हें सारी बात बताई तो उन बाबा ने बताया कि उस लड़की पर एक जिन्न का साया था जो उस लड़की को चाहता था, इसीलिए उसने तेरे बेटे को उस लड़की से दूर रहने को बोला था और उस दिन उसी जिन्न ने
उस कार एक्सीडेंट को अंजाम दिया था ताकि उस लड़की की मौत के बाद वो उसकी आत्मा को अपने साथ जिन्नों की दुनिया में ले जा सके और वो जिन्न उस लड़की की आत्मा को अपने साथ ले गया है। पापा की ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए और मैंने रोते हुए पापा से कहा कि ये सब मेरी ही गलती है। अगर उस दिन मैं सोनल के घर अपने साथ माँ और भाई को ना ले जाता तो आज मेरी माँ और भाई जिंदा होते। वैसे आज इस घटना को हुए काफ़ी वक्त बीत गया है मगर आज भी उस घटना को लेकर मैं खुद को कसूरवार मानता हूँ और आज भी उस सदमे से बाहर नहीं आ सका हूँ। तो दोस्तों ये थे मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। ओनियन विच, प्याज और रोटी मांगने वाली डायन, ये घटनाएं भारत की राजधानी दिल्ली में सामने आई थी। बात साल 2005 की है जब देश भर में ऐसी खबरें सामने आई कि एक बूढ़ी औरत रात के वक्त लोगों के घरों के दरवाजे पर दस्तक देती थी। दरवाजा खोलने पर वो औरत कहती कि वो बहुत दिनों से भूखी है और फिर वो बूढ़ी औरत खाने के लिए प्याज और रोटी मांगती थी। अगर उसके मांगने पर कोई उसे प्याज और रोटी दे देता था तो वो बूढ़ी औरत उस प्याज को मरोड़कर तोड़ देती थी और उस प्याज से इंसानी खून निकलने लगता था और उस बूढ़ी औरत को प्याज देने वाले की मौत हो जाती थी। बताते हैं वो औरत एक डायन थी। ऐसी ही एक डायन की कहानी आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ जो साल 2005 में दिल्ली में एक परिवार के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। महज काफ़ी दिनों बाद दिल्ली वापस लौटा था। दिन भर की थकान की वजह से महेश ने परिवार के लोगों से ज़्यादा बात नहीं की और सोने चला गया। शायद इसी वजह से महेश के परिवार वाले महेश को उस प्याज वाली डायन के बारे में बता ही नहीं पाए। आधी रात को दरवाजे पर हो रही दस्तक से महेश की आंख खुल गई। महेश उठकर बैठ गया और सोचने लगा कि भला इस वक्त कौन आया होगा। तभी दरवाजे पर किसी के रोने की आवाज़ सुनाई दी। महेश को लगा कि शायद किसी को मदद की ज़रूरत है। वो फौरन दरवाजे के करीब पहुंचा और उसने दरवाज़ा खोला तो दरवाजे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी थी जो रोते हुए महेश से बोली, बेटा मैं बहुत दिनों से भूखी हूँ। उस बूढ़ी औरत की बात सुनकर महेश ने कहा कि आप रोना बंद करिए, मैं आपके लिए अभी खाना लेकर आता हूँ। तभी उस बूढ़ी औरत ने महेश से कहा, मुझे खाने में सिर्फ प्याज और रोटी चाहिए, क्या मुझे मिल सकता है? तो महेश ने कहा, सिर्फ प्याज और रोटी क्यों, मैं आपके लिए खाने में दाल और चावल भी लेकर आता हूँ। महेश ने इतना बोला ही था कि वो बुढ़िया थोड़ा तेज आवाज़ में बोली, नहीं बेटा मुझे सिर्फ प्याज और रोटी ही चाहिए। महेश को उस बूढ़ी औरत के बात करने का तरीका बहुत अजीब लगा मगर उसने सोचा कि शायद काफ़ी समय तक भूखी रहने की वजह से वो बूढ़ी औरत चिड़चिड़ी हो गई है। उसने उस औरत से कहा कि ठीक है आप यहीं पर रुकिए, मैं प्याज और रोटी लेकर आता हूँ। महेश के इतना बोलते ही उस बूढ़ी औरत के चेहरे पर एक डरावनी हंसी उभर आई। महेश ने किचन से प्याज और रोटी लिया और उस औरत के पास पहुंचा। महेश से प्याज और रोटी लेते ही वो बूढ़ी औरत भयानक डायन में बदल गई। उसका कटाफटा चेहरा देखकर महेश की चीख निकल गई और लड़खड़ाकर महेश जमीन पर गिर पड़ा। तभी उस डायन ने भारी आवाज में कहा, मुझे प्याज और रोटी देकर तूने बहुत गलत किया, अब तू नहीं बचेगा। और इतना कहकर उस डायन ने प्याज को मरोड़कर तोड़ दिया और गायब हो गई। तभी महेश की चीखें सुनकर सभी घर वाले जाग गए और भागकर महेश के पास आ गए। तभी उन्होंने देखा कि दरवाजे के पास पड़े प्याज से इंसानी खून निकल रहा था। वो देखकर घर वाले समझ गए
कि यह सब उस भयानक डायन का किया हुआ है। महेश की हालत बहुत खराब होती जा रही थी। घर वाले उसे लेकर हॉस्पिटल ले जाने लगे। वो लोग महेश को लेकर घर से बाहर ही निकले थे कि तभी महेश को खून की उल्टियां होने लगी और अचानक महेश की पुतलियों का रंग काला पड़ गया और महेश की मौत हो गई। महेश की मौत से घर में मातम पसर गया। अगले दिन महेश का दाह संस्कार किया गया। दोस्तों, महेश की मौत के बाद भी मौतों का सिलसिला थमा नहीं। उस बूढ़ी डायन ने न जाने कितने लोगों को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली आज भी उस प्याज और रोटी मांगने वाली डायन से खौफ खाती है। तो दोस्तों, ये थी साल 2005 में दिल्ली में घटी रहस्यमय घटनाओं से जुड़ी एक बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम अनिल है। ये मेरे और मेरी वाइफ के साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात ज़्यादा पुरानी नहीं है, अभी कुछ महीनों पहले की ही बात है। एक रात अचानक मेरी दादी की मौत हो गई। हालांकि दादी बिल्कुल भी बीमार नहीं थी। उनकी मौत का कारण किसी को समझ नहीं आया। दादी की मौत से घर में मातम पसर गया। अगले दिन दादी का दाह संस्कार किया गया। यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि दादी के मौत के ठीक 6 दिन बाद ही मेरी शादी थी। शादी की डेट दादी की मौत से पहले ही तय हो चुकी थी। शादी के कार्ड रिश्तेदारों और दोस्तों के घर पहुँचाए जा चुके थे, जिस वजह से किसी को समझ नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। दादी की मौत के बाद घर का माहौल ठीक नहीं था। हमने पंडित जी से इस बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि जब तक मृत व्यक्ति का श्राद्ध और तेरहवीं और सभी प्रकार की अंतिम क्रियाएं पूरी नहीं हो जाती, तब तक आप लोग किसी भी तरह का शुभ कार्य नहीं कर सकते। और अगर आप सभी अंतिम क्रियाएं संपन्न करने से पहले ही अपने बेटे की शादी कर देंगे तो ये बहुत ही अनिष्टकारी सिद्ध होगा। पंडित जी से बात करने के बाद हम सब वापस घर चले आए। फिर जब मेरे पापा ने मेरी वाइफ के पापा से इस बारे में बात की तो उन्होंने साफ कह दिया कि वो शादी को टाल नहीं सकते, क्योंकि इससे उन लोगों की समाज में बहुत बेइज्जती होगी। वहीं वो लोग इन सभी बातों को मानने से भी इनकार कर रहे थे। उनका कहना था कि ऐसा कुछ भी नहीं होता है, हमें अपनी बेटी की शादी उसी दिन करना है। लड़की वालों के बार बार जिद करने पर आखिरकार हम लोग मान ही गए और उसी तय दिन में मेरी शादी करा दी गई। शादी के बाद कुछ दिनों तक तो सब कुछ नॉर्मल रहा, मगर कुछ दिनों बाद ही घर में अजीबोगरीब घटनाएं होने लगी। कभी खाने में सैकड़ों कीड़ों का मिलना तो कभी पीने के पानी में खून का मिलना। ऐसी ना जाने कितनी अजीबोगरीब घटनाएं हमारे सामने आने लगी। हम इन घटनाओं से परेशान हो चुके थे। और फिर एक दिन मैं शहर नौकरी करने चला गया, जिसके कुछ दिनों बाद मैं शहर से वापस घर आ रहा था। काफ़ी लंबा सफ़र तय करने के बाद अब मेरा घर ज़्यादा दूर नहीं था। मुश्किल से घर पहुंचने में मुझे 10 से 15 मिनट लगने वाले थे। तभी मैंने देखा रास्ते के बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। मैं जब उस औरत के और करीब पहुंचा, तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने देखा मेरे सामने रास्ते पर मेरी दादी का प्रेत खड़ा था, जो कि अब बेहद डरावनी लग रही थी। उनका जला हुआ भयानक चेहरा देखकर मेरी चीख निकल गई कि तभी दादी का प्रेत हवा पर सवार होकर पल भर में मेरे सामने आ गया और दादी के प्रेत ने मेरी गर्दन पकड़ ली। मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा और मैंने दादी से कहा, दादी मुझे छोड़ दो, मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। मेरे इतना बोलते ही दादी के प्रेत ने भारी आवाज में कहा, मेरा श्राद्ध किए बगैर ही तूने शादी कर ली,
अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, अब तुम सब मरोगे। और इतना कहकर दादी के प्रेत ने मुझे उठाकर जमीन पर पटक दिया। जमीन पर गिरते ही मेरा पैर टूट गया और मेरी मरड़तौल चीख निकल गई। और तभी दादी का प्रेत अट्टहास करता हुआ हवा में धुआं बनकर गायब हो गया। दर्द से कराहते हुए मैंने जैसे तैसे घर पर फोन किया और घर वालों को सारी बात बताई। मेरी बातें सुनकर घर वाले भी सकते में आ गए और फौरन पापा और मेरा छोटा भाई मुझे लेकर हॉस्पिटल पहुंचा। उस दौरान मेरी वाइफ मायके में थी। इलाज के बाद मैंने उसे कॉल करके मेरे एक्सीडेंट के बारे में बताया। हालांकि मैंने उसे दादी के प्रेत के बारे में कुछ भी नहीं बताया। मेरा एक्सीडेंट हुआ है ये जानकर मेरी वाइफ बहुत परेशान हो गई और रात में ही अपने भाई को साथ लेकर मुझसे मिलने के लिए मायके से निकल पड़ी। रास्ते पर आते हुए एक जगह मेरी वाइफ और उसके भाई ने देखा कि एक बूढ़ी औरत बीच रास्ते में खड़ी थी, जिसके सफ़ेद बाल खुले हुए थे और उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे, जिस वजह से उसका चेहरा साफ साफ दिखाई नहीं पड़ रहा था। मेरी वाइफ उस औरत के करीब से गुजर ही रही थी कि तभी वो औरत अपने असली रूप में आ गई। तभी बाइक के शीशे में मेरी वाइफ और उसके भाई ने दादी के प्रेत का भयानक चेहरा देखा, जिसे देखकर मेरी वाइफ जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी। तो वहीं मेरी वाइफ का भाई बाइक को फुल स्पीड में भगाने लगा। बाइक काफ़ी तेज चल रही थी, मगर मेरी दादी का प्रेत बाइक की स्पीड से मेरी वाइफ का पीछा कर रहा था। और तभी हवा में तैरते हुए मेरी दादी के प्रेत ने मेरी वाइफ का गला पकड़ लिया और उसे उठाकर बाइक से नीचे फेंक दिया। इतनी तेज चलती बाइक से नीचे रास्ते पर सर के बल गिरने से मेरी वाइफ का सर फट गया और वो वहीं बेहोश हो गई। और तभी दादी का प्रेत हवा में धुआं बन गया। मेरी वाइफ को लेकर उसका भाई हॉस्पिटल पहुंचा, जहां पर मेरी वाइफ की कंडीशन को देखकर डॉक्टर ने उसे आईसीयू में भर्ती कर लिया। खबर मिलते ही मेरे घर के सभी लोग हॉस्पिटल पहुंचे, मगर मैं पैर टूट जाने की वजह से जा नहीं पाया। मैं घर पर ही अकेला बैठा हुआ था और तभी दादी का प्रेत मेरे सामने प्रकट हो गया और मेरी तरफ बढ़ने लगा। दादी के प्रेत को सामने देखकर मेरे पसीने छूट गए और मैं दादी के प्रेत के सामने हाथ जोड़कर रोने गिड़गिड़ाने लगा। और दादी के प्रेत से मेरे पूरे परिवार की तरफ से हुई गलती की माफ़ी मांगने लगा। तभी दादी के प्रेत ने भारी आवाज में कहा, ठीक है, मैं तुम सबको माफ़ करती हूँ, लेकिन तेरी औरत को मैं नहीं छोड़ूंगी। दादी की बात सुनकर मैं गिड़गिड़ाते हुए दादी से बोला, नहीं दादी, आप उसे भी कुछ मत करना। मैं अभी अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाया था कि तभी दादी का प्रेत हवा में धुआं बनकर गायब हो गया। और तभी हॉस्पिटल में मेरी वाइफ के मुंह से खून निकलने लगा, जिसे देखकर डॉक्टर भी घबरा गए। लेकिन डॉक्टर कुछ कर पाते कि तभी मेरी वाइफ की आंखों की पुतलियां बाहर आ गई और साथ ही उसकी जीभ भी उसके मुंह से बाहर निकल आई। वो भयानक मंजर देखकर डॉक्टरों में भी भगदड़ मच गई। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी डॉक्टर ने मेरी वाइफ को चेक किया तो उसकी मौत हो चुकी थी। डॉक्टर की बात सुनकर मेरे और मेरे परिवार के पैरों के नीचे की जमीन निकल गई। पूरे परिवार में मातम पसर गया। मैंने मेरी वाइफ का अंतिम संस्कार किया। दोस्तों, मेरे साथ हुई ये घटना ज़्यादा पुरानी नहीं है और आज भी मैं और मेरा परिवार इस घटना को याद करते हैं तो सबकी रूह कांप उठती है। तो दोस्तों, ये थी
मेरे और मेरी वाइफ के साथ घटी, बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम कार्तिक है। आज मैं आपको मेरे साथ घटी एक बिल्कुल सच्ची घटना से रूबरू करवाने जा रहा हूँ। ये बात 2 साल पहले की है, जब मेरा सामना एक छलावा से हो गया था। बात दरअसल ये थी कि मैं अपने दूर के रिश्तेदार के यहाँ शादी पर गया हुआ था। शादी होने के बाद जब मैंने टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। इतनी रात गए वापस घर लौटने का मेरा मन तो बिल्कुल भी नहीं था, मगर अगले दिन मेरी ऑफिस में बहुत इम्पॉर्टेंट मीटिंग थी, जिस वजह से मुझे उसी वक्त निकलना पड़ा। उन लोगों ने मुझे इतनी रात जाने से मना किया, मगर मेरी मजबूरी जानने के बाद उन लोगों ने जिद नहीं की। रास्ते पर लौटते हुए मैं फ़ोन पर गाने सुन रहा था और आगे बढ़ता जा रहा था। तभी रास्ते पर एक जगह मैंने देखा कि एक आदमी रास्ते के किनारे पड़े किसी जानवर के पास बैठा हुआ उसका मांस नोच नोच कर खा रहा था। वो देखकर मैं बहुत घबरा गया। मैंने देखा अंधेरे में भी उस आदमी की आंखें चमक रही थी, बिल्कुल किसी पीले बल्ब की तरह। मैंने उस आदमी के सामने से अपनी बाइक बहुत ही तेजी से निकाली और बाइक को भगाता हुआ मैं उस आदमी से काफ़ी दूर निकल आया। उस आदमी से काफ़ी दूर आने के बाद मैंने चैन की सांस ले ही थी कि तभी मेरी नज़र बाइक के शीशे पर पड़ी। मैंने देखा वही पीली आंखों वाला आदमी मेरे पीछे बैठा था और उसने अपने हाथ में मांस का टुकड़ा पकड़ रखा था, जिसे वो नोच नोच कर खाया जा रहा था। जहां उस पीली आंखों वाले आदमी को देखकर मेरे पसीने छूटने लग गए थे कि तभी मेरी नज़र रास्ते पर गई तो मैंने देखा कि ठीक उसी पीली आंखों वाले आदमी की तरह दिखने वाले दर्जन भर और आदमी अचानक रास्ते पर प्रकट हो गए और गुर्राते हुए मेरी तरफ बढ़ने लगे। और तभी उन सबका चेहरा बेहद ही भयानक रूप में बदल गया। उन कटे फटे चेहरे वाले आदमियों को अपनी तरफ बढ़ता देखकर मैं जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगा, मगर इतनी रात गए उस सुनसान रास्ते पर मेरी चीखें सुनने वाला कोई भी नहीं था, जिस वजह से मुझे समझ आ गया कि अब मेरी रक्षा संकट मोचन महाबली हनुमान जी ही कर सकते हैं। तो मैं जोर जोर से मेरे भगवान हनुमान जी को मेरी रक्षा के लिए बुलाने लगा। मैं जोर जोर से हनुमान चालीसा पढ़ने लगा और तभी मैंने देखा कि मेरे हनुमान चालीसा पढ़ते ही वो छलावे मुझसे दूर जाने लगे और मेरी बाइक पर मेरे पीछे बैठा छलावा एकाएक गायब हो गया और बाकी छलावे जाते जाते मुझसे भारी आवाज में बोले, आज तो तुझे हमसे किसी शक्ति ने बचा लिया, मगर फिर कभी तू हमें इस रास्ते पर दिखा तो हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। और इतना कहकर वो छलावे भी गायब हो गए। और तभी मुझे एक आवाज़ सुनाई दी, बेटा तुरंत यहाँ से चले जाओ, ये रास्ता सही नहीं है, दोबारा यहाँ मत आना। वो आवाज़ सुनकर मैं समझ गया कि ये हमारे भगवान हनुमान जी हैं। मैंने तुरंत हनुमान जी को मेरी जान बचाने के लिए धन्यवाद कहा और जय श्री राम का जयकारा लगाता हुआ फौरन वहाँ से निकल गया। इस घटना के बाद फिर कभी मैं उस रास्ते से नहीं गुजरा और ना ही फिर कभी दोबारा मेरा सामना बुरी शक्तियों से हुआ। इस घटना के बाद हनुमान जी पर मेरा विश्वास और भी पक्का हो गया। तो दोस्तों, अगर आप भी हनुमान जी और उनकी अनंत शक्तियों पर विश्वास करते हैं तो कमेंट में जय श्री राम और बजरंग बली की जय लिखना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना। तो चलिए दोस्तों, अगली कहानी की तरफ बढ़ते हैं। मेरा नाम सुमन है। ये मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना है। ये बात आज से 3 साल पहले की है। तब मेरा कॉलेज खत्म होते ही मैंने नौकरी ढूंढ ली थी। मेरी माँ
और पापा मेरी शादी के लिए कोई अच्छा सा लड़का ढूंढ रहे थे, और वैसे मैं भी कोई अच्छा सा रिश्ता आने पर हाँ कह देने वाली थी। मेरे घर से मेरा ऑफिस लगभग 4-5 किलोमीटर दूर है। मैं अपनी स्कूटी से ही हर रोज ऑफिस के लिए निकलती थी। एक रोज जब मैं अपने घर से ऑफिस के लिए निकलने वाली थी तो मुझे मालूम पड़ा कि मेरे स्कूटी में कुछ गड़बड़ी आ गई है, क्योंकि मेरे लाख कोशिशों के बावजूद भी मेरी स्कूटी स्टार्ट नहीं हो रही थी। फिर मैंने पापा को बोला कि मैं ऑफिस के लिए पैदल ही निकल रही हूँ, और आगे रास्ते में कोई ऑटो रिक्शा वाला मिलेगा तो उसी के साथ निकल जाऊंगी। मैंने पापा से कहा कि आप आज किसी मैकेनिक से स्कूटी ठीक करवा लेना। ये बोलकर मैं अपने घर से ऑफिस के लिए निकल गई। फिर तकरीबन 2 किलोमीटर तक पैदल चलने के बाद भी मुझे कोई ऑटो रिक्शा वाला रास्ते पर नज़र नहीं आया। मैं मन ही मन ये सोच रही थी कि आज का तो दिन ही खराब है, ऐसे हर रोज रास्ते पर कितने ऑटो रिक्शा वाले मिल जाते हैं और आज देखो एक भी नहीं है। मैं ये सब सोचते हुए तेज रफ्तार में पैदल चलते हुए ये सब सोच ही रही थी कि तभी एक बाइक मेरे सामने आकर रुकी। मैंने देखा तो बाइक एक लड़का चला रहा था जो दिखने में करीब 24-25 साल का नजर आ रहा था। मेरे सामने बाइक रोकते ही वो बोला, हाय मेरा नाम तुषार है। उसकी बात सुनकर मैंने उससे कहा, हाँ ठीक है, अच्छा नाम है आपका। ये बोलकर मैं उसकी बाइक के साइड से आगे की तरफ बढ़ने लगी कि तभी उस लड़के ने कहा, अरे हेलो सुनिए। उसके ऐसा बोलने पर मैं रुकी और उसकी तरफ पलटी। तभी उसने मुझसे कहा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो तो आपको जहाँ भी जाना है मैं आपको वहाँ तक अपनी बाइक पर छोड़ सकता हूँ। उसके ऐसा बोलने पर पहले तो मैंने मना कर दिया और कहा कि मैं खुद चली जाऊँगी, मगर उसके बार बार कहने पर मैं मान गई और उसे अपने ऑफिस का पता बताकर उसके साथ ऑफिस के लिए निकल गई। फिर ऑफिस से निकलते वक्त रात के 8 बज गए थे। मैं ऑफिस के बाहर खड़ी किसी ऑटो रिक्शे वाले के रास्ते से गुजरने का इंतजार कर रही थी कि तभी वही लड़का अपनी बाइक से मेरे सामने आ गया, और आते ही उसने मुझसे कहा कि चलिए मैं आपको आपके घर छोड़ देता हूँ। उस लड़के को दोबारा अपने सामने देखकर मुझे समझ आ गया कि अब ये मुझसे चिपकने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए इस बार मैंने उसे साफ मना कर दिया। और इतने में ही एक ऑटो रिक्शा वाला वहाँ आ गया और मैं उस ऑटो रिक्शा से अपने घर चली गई। फिर उसी रात जब मैं सो रही थी तभी अचानक मुझे ऐसा लगा जैसे कि कोई मेरे ऊपर बैठा हुआ है। मैंने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली तो मैंने जो देखा मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने देखा मेरे ऊपर वही लड़का बैठा हुआ था और उसकी आंखें लाल चमक रही थी जैसे कि उसकी आंखों में खून भरा हो। मैं उस लड़के को देखकर जोर जोर से चीखने चिल्लाने लगी, मगर तभी मैंने देखा उस लड़के का चेहरा एकाएक भयानक रूप में बदल गया। उसका भयानक कटा फटा और कुचला हुआ चेहरा देखकर मेरे पसीने छूट गए, और तभी उस लड़के ने मेरा गला पकड़ लिया और फिर उसके बाद उसने पता नहीं मेरे ऊपर क्या किया कि फिर क्या हुआ मुझे कुछ भी याद नहीं है। सुबह जब मेरी आँख खुले तो मैं बिस्तर पर थी और मेरे प्राइवेट पार्ट पर बहुत दर्द हो रहा था। मुझे पता नहीं उस रात उस लड़के ने या फिर उस लड़के के प्रेत ने मेरे साथ क्या किया था, पर आज भी जब कभी भी मैं उस घटना को याद करती हूँ तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन गलीमत है कि उस रात के बाद फिर कभी वो लड़का मुझे दिखाई नहीं दिया। तो दोस्तों ये थी मेरे साथ घटी बिल्कुल सच्ची घटना।